चांदनी, सर शाबेश माशाल्लाह कितने गुड लुकिंग हैं और बातें कितनी अच्छी करते हैं और बहुत एजुकेटेड भी हैं। माशाल्लाह। हमारे घर क्यों आए थे? अच्छा, आपा के कॉलीग हैं, ऐसे ही मिलने आए होंगे। शादीशुदा है, बच्ची भी है। तो क्या हुआ, आपा के कॉलीग हैं और पता है एक जमाने में उनको पसंद भी करते थे, लेकिन अम्मा ने इनकार कर दिया। एनी आप ही के साथ भी ना ट्रेजेडी पे ट्रेजेडी हो जाती है। लेकिन ऐनी आपा बहादुर हैं, उन्होंने हकीकत को कबूल कर लिया। तुम क्यों इतनी इंक्वायरी कर रही हो? अच्छा, ऐसे तुम्हें पता है उनकी शादी कहाँ हुई है? खानदान में किसी से की होगी। अच्छा, इस सब को छोड़ो, तुम अपनी शादी पर फोकस करो। शावेश सर भी तुम्हें समझा कर गए ना। चांदनी, में सोच रही थी कि मेरे लिए किसी सर शाफेस जैसे शख्स का रिश्ता नहीं आ सकता। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतनी अजीब अजीब बातें करती हो। मैं क्या अजीब बातें कर रही हूँ चांदनी? कोई ऐसा शख्स हो जो पढ़ा लिखा हो, जिंदा दिल हो, जिसे गुफ्तगू करनी आती हो। ऐसे आदमी शादीशुदा होते हैं, उनकी बीवियां उनको कभी छोड़ती नहीं है। कोई अच्छा रिश्ता आएगा तो कबूल करूंगी ना। या तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कुर्तलैन की जो बहन है होरिया, जो बेवा हो गई थी, उसके लिए रिश्ता है, शादी की बात चल रही है। कुर्तलैन की वालदा चाहती हैं कि होरिया की शादी खैरियत से हो जाए तो फिर कुर्तलैन यहाँ पे आ जाएंगे। इतनी बड़ी बात वो अभी लोगों से कर नहीं सकते, उनकी मजबूरी है। मैं काफ़ी डिटेल में बात करके आया उनसे, मुझे लगता है कि सब ठीक है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों के घर के मसाइल तो कभी खत्म नहीं होंगे। हमें कभी कभार हादसा भी हो जाया करते हैं, इसमें उसका कसूर नहीं होता। मैं कुरतलन के घर गया, सबसे मुलाकात हुई, अच्छे लोग हैं, बस हालात की वजह से मजबूर है। लेकिन अगर उसकी माँ फिर भी ना मानी तो? अगर वो नहीं मानी तो फिर मैं कुरतलन को खुद यहाँ पर ले आऊंगा। उसकी वालदा भी ये बात जानती हैं कि वो कुरतलन को ज्यादा देर तक वहां पर रोक नहीं सकती, इसलिए वो मसलियत से काम लेंगी। बाबा, क्या ये आपने बनाया है? वंडरफुल, तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब है मेरी बेटी बड़े होके आर्टिस्ट बनेगी? नहीं, मैं आर्टिस्ट नहीं बनूंगी, मैं प्रिंसिपल बनूंगी। कुर्तलैन नाम की तो ना। दादी क्या बनाया? ओ वाह भाई वाह, जबरदस्त, तो बहुत अच्छा बनाया आपने। वेरी नाइस।